नमस्कार प्यारे बच्चों, आज दिनांक 23/7/2021 है। 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 हम लोग कर रहे हैं और मैथ्स 2 में सेकेंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है समांतर रेखाएं। पिछले वीडियो में मैंने अब इसकी कुछ बेसिक जानकारी दी थी। पिछले वीडियो यानी कि 29 यानी कल जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें बेसिक जानकारी इसकी मैंने दिया है कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं, संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण और अंतः कोण, फिर शीर्षाभिमुख कोण, रेखीय युगल कोण, ये सारी कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो इस वीडियो में उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है और अपने को प्रश्न संग्रह 2.1 उसी जानकारी के आधार पर हल करना है। प्रश्न संग्रह 2.1। तो इसमें देखो, पहला सवाल यहां पर क्या दिया है, ये यहां पर देखो दो रेखा है आरपी और एमएस, ये दो रेखाएं हैं और क्या दिया है कि आरपी और एमएस ये समांतर हैं। डीके, ये जो रेखा डीके है तिर्यक रेखा है। यहां पर कोण डीएचपी का माप 85 डिग्री दिया है तो निम्नलिखित कोणों के माप ज्ञात करने हैं। एक तो कोण आरएचडी, कोण आरएचडी कौन सा है, यानी ये कोण आरएचडी, सॉरी ये वाला आरएचडी, ये ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो बेटा, ये जो कोण ज्ञात करना है आरएचडी, ये आरएचडी जो है और जो कोण हमें दिया है, ये दोनों मिलके किस तरह की आकृति बन रही है, टी जैसा बन रहा है। और मैंने आपको बताया था जब दो कोण मिलके टी जैसा बने तो वो कौन से कोण होते हैं, टी जैसा, जब दो कोण मिलके टी जैसा आकार जब बनाते हैं तो उसको रेखीय युगल कोण बोलते हैं। और उसकी विशेषता क्या होती है, उन दोनों कोणों के मापों का योगफल 180 होता है, यानी आर एच डी और ये कोण डी एच पी दोनों मिला के 180 होगा। तो जब ये 85 है तो बताओ ये कितना होगा, 180 से माइनस कर दो, 180 से माइनस करोगे तो 95 डिग्री आएगा, तो इसका माप 95 हो जाएगा, इसका माप हो जाएगा 95। फिर देखो कोण पी एच जी क्या ज्ञात करना है, कोण पी एच जी, पी एच जी, तो ये जो पी एच जी कोण है ये देखो इसका शीर्षाभिमुख है पी एच डी का, सॉरी आर एच डी का, आर एच डी और पी एच जी शीर्षाभिमुख है, आमने सामने देखो एक्स जैसा आकार बन रहा है, ये एक्स जैसा आकार बन रहा है। देखो मैंने बोला जब एक्स जैसा आकार बन रहा है तो सामने सामने जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख होते हैं, उनके माप बराबर होते हैं, तो ये 95 तो ये भी 95 हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। फिर क्या ज्ञात करना है, कोण एच जी एस कहाँ पे है, ये एच जी एस, ध्यान से देखो ये कोण एच जी एस और डी एच पी, एच जी एस और डी एच पी किस तरह के कोण है, एफ बन रहा है तो कौन से कोण हुए, जो एफ जैसे आकार बनाते हैं दो कोण अगर मिलके तो उसको संगत कोण कहते हैं और संगत कोणों के माप बराबर होते हैं, तो ये 85 डिग्री है तो एच जी एस भी 85 डिग्री हो जाएगा। फिर हमें क्या ज्ञात करना है, एम जी के, एम जी के, तो एम जी के और ये एच जी एस देखो शीर्षाभिमुख है, सामने सामने, ये एक्स जैसा आकार है तो सामने सामने वाले कोण शीर्षाभिमुख होते हैं, तो ये 85 डिग्री आया था इसलिए ये भी 85 हो जाएगा। इस तरह से सारे माप ज्ञात करने हैं, समझ में आया। अब इसको देखो कैसे नोटबुक में कैसे करेंगे हम लोग, इसको सबसे पहले जो किताब में आकृति है वो हम लोग भी बना लेंगे। आरपी और एमएस, आरपी एमएस दो समांतर रेखा है, तो आरपी और एमएस
ये आर पी और एम एस, ये दो समांतर रेखा बना लिया। उसके बाद में क्या है, ये डी के, देखो तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा खींच लेंगे। इसका नाम क्या था, डी के, तो डी और ये के, फिर ये दो पॉइंट्स का नाम है एच और जी, इस पॉइंट का नाम है एच और इस पॉइंट का नाम है जी। फिर देखो यहाँ पे डी एच पी 85 डिग्री दिया है, कोण डी एच पी 85 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, आर एच डी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें कोण आर एच डी ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से देखो, ये जो हमें ज्ञात करना है आर एच डी, जो ज्ञात करना है और जो कोण दिया है, दोनों मिलके टी जैसा आकार बना रहे हैं। कल मैंने आपको समझाया था, टी जैसा आकार जब बनता है तो रेखीय युगल कोण होते हैं। तो इसलिए कोण आर एच डी प्लस ये जो कोण दिया है डी एच पी, ये दोनों रेखीय युगल कोण है, इसलिए इनका योगफल 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ साइड में कारण लिख देना, साइड में कारण लिख देना कि दोनों का योगफल 180 डिग्री क्यों है। तो कारण आएगा रेखीय युगल कोण। अब आर एच डी का माप ज्ञात करना है, तो कोण आर एच डी ज्ञात करना है डी एच पी 85 डिग्री, 85 वहां जाके माइनस हो जाएगा, जीरो में से 5 नहीं जाएगा, यहां से उधार ले लो, 10 में से 5 गया 5, फिर देखो 7 में से 8 नहीं जाएगा उधार, तो ये उधार ले लो 17 हो जाएगा जीरो, 17 में से 8 गया तो कितना आएगा 9, तो आर एच डी का माप कितना हो गया 95 डिग्री हो गया। ये जो आर एच डी है इसका माप मिल गया है 95 डिग्री। अब आगे, अब दूसरा क्या ज्ञात करना है, चलो देख लेते हैं। दूसरा हमें ज्ञात करना है कोण पी एच जी, कोण पी एच जी इसका माप ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं पी एच जी डायग्राम में, देखिए ये जो पी एच जी जो कोण है वो या तो इसके साथ रेखीय युगल बना लो, डी एच पी और जी पी एच जी दोनों रेखीय युगल कोण भी बन रहा है, और ये पी एच जी ये सामने वाले कोण यानी आर एच डी से शीर्षाभिमुख भी बन रहा है, तो दो में से कोई भी एक ले सकते हो, या तो रेखीय युगल कोण से सिद्ध कर दो, मान ज्ञात कर लो, या तो शीर्षाभिमुख से हो जाएगा। तो शीर्षाभिमुख ज्यादा इजी रहता है, कोण पी एच जी, कोण पी एच जी किसके बराबर होगा, कोण पी एच जी ये बराबर होगा कोण आर एच डी के, कोण आर एच डी के क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है, परंतु कोण आर एच डी का माप हमने 95 डिग्री निकाला है। तो पी एच जी देखो आर एच डी के बराबर है, परंतु आर एच डी 95 है, इसलिए पी एच जी भी 95 हो जाएगा। तो आप यहां लिख सकते हो, परंतु कोण आर एच डी 95 डिग्री है, कैसे पता, ये वन में हमने निकाला है एक से, इसलिए जब आर एच डी 95 है तो पी एच जी भी 95 डिग्री हो जाएगा। तो पी एच जी मिल गया। अब थर्ड देख लेते हैं, थर्ड थर्ड क्या है, कोण एच जी एस, कोण एच जी एस ज्ञात करना है, एच जी एस देखते हैं कहाँ पे है एच जी एस, एच जी एस ये रहा एच जी एस। देखो एच जी एस मतलब ये वाला कोण, ये कोण देखो और ये वाला कोण देखो, ये दोनों कोण मिलके एफ जैसा आकार बन रहे हैं,
इसलिए ये दोनों बराबर होंगे, परंतु परंतु ये 85 है इसलिए ये भी 85 डिग्री हो जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे इसको, कोण एच जी एस हमें ज्ञात करना है, और कोण एच जी एस किसके बराबर होगा, इधर ये डाई इधर देख लेते हैं, एच जी एस जो है बराबर होगा कोण डी एच पी के, कोण डी एच पी के क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये संगत संगत कोण है। अब इसमें हमें डी एच पी का माप पता है, कोण डी एच पी का माप कितना दिया है, 85 दिया है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि परंतु कोण डी एच पी 85 डिग्री है। कैसे पता 85 डिग्री है, ये हमें दिया गया है, दिया गया है इसलिए दत्त लिख दो। तो डी एच पी 85 डिग्री है, और ये डी एच पी एच जी एस के बराबर है, तो इसलिए एच जी एस भी 85 हो जाएगा। वेरी गुड, थर्ड खत्म। आप चौथा देख लेते हैं, चौथा कोण एम जी के, कोण एम जी के, तो एम जी के कहाँ पर है, देखो ये रहा एम जी के, तो एम जी के देखो इसके साथ में शीर्षाभिमुख बना रहा है, किसके साथ में, एच जी एस के साथ में, तो इसलिए यहां पर आप लिख सकते हो कोण एम जी के, कोण एम जी के और कोण एच जी एस, कोण एच जी एस ये दोनों कोण बराबर होंगे, सर्वांगसम होंगे। क्यों सर्वांगसम होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण हुआ, परंतु इसमें एच जी एस 85 डिग्री हम निकाल चुके हैं, परंतु कोण एच जी एस कितना है, 85 डिग्री है। कैसे मालूम, थर्ड देखो, थर्ड में हमने निकाला है, तो यहाँ कारण लिख देना 3 से। अब एच जी एस 85 है, परंतु एच जी एस एम जी के बराबर है, तो इसलिए एम जी के भी, कोण एम जी के भी 85 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर ये है आपका 2.1 का पहला सवाल खत्म होता है। चलो दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। दूसरे सवाल में क्या दिया है, देखो रेखा P समांतर Q, रेखा P और Q समांतर है, P और Q समांतर है, रेखा L और M तिर्यक रेखाएं हैं, और कुछ कोणों के माप यहाँ दिए गए हैं, जैसे ये 110, ये 115, ये हमें दिए गए हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, ए बी सी डी ये जो माप है ये हमें ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, चलो पहले ए अगर देखें, तो ये जो है ये ए है और ये दिया गया कोण है, दोनों में कुछ संबंध है, संबंध मतलब वो एकांतर कोण, संगत कोण, अंतः कोण, रेखीय युगल कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इसमें से कुछ बन रहा है क्या, क्या बन रहा है। शीर्षाभिमुख कोण बेटा सामने सामने होता है, बाजू 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 में नहीं होता है। देखो ये कोण कौन सा है, ये रहा ये वाला, और ये कोण कौन सा है, ये वाला कोण है, कैसा आकार बन रहा है, ये टी जैसा, तो कौन सा कोण हुआ, ये रेखी युगल कोण। तो रेखी युगल कोणों के मापों का योगफल होता है 180, दोनों का टोटल 180 होगा, इसमें से ये 110 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यस, अब हमें ज्ञात करना है बी, बी ज्ञात करना है। तो देखो कैसे बी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो ये जो कोण है ना, इसको अगर हम लोग एक्स मान लें, स्मॉल एक्स मान लो, तो ध्यान से देखो ये जो कोण ए है और ये जो कोण ये एक्स है,
ये जो कोण ए है और ये जो कोण एक्स है कैसा आकार बन रहा है? हाँ नहीं बेटा, ये कोण ए देखो इधर ऐसा है और ये कोण एक्स ऐसा है, कोण ए फिर कोण एक्स, एफ जैसा बन रहा है। तो एफ जैसे कोण को क्या बोलते हैं? संगत कोण। संगत कोण के माप कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब कोण एक्स ए के बराबर होगा। ए हमने कितना निकाला था? 70, 70 निकाला था। तो एक्स कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। फिर देखो बी और एक्स में क्या रिलेशन है? शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो एक्स 70 हो गया तो बी ये भी 70 हो जाएगा। तो इस तरह से बी मिल गया। आप देखो हम लोग डी निकाल सकते हैं। डी और 115 कैसा है? ये कोण डी और कोण ये 115, किस तरह के कोण है? ये टी जैसा है। तो कौन से कोण हो गए? ये रेखीय युगल कोण हो गए। तो इसका मतलब दोनों का योगफल 180 होगा। तो इसलिए 180 में से 15 माइनस कर देना तो डी मिल जाएगा। अब हमें निकालना है सी। तो ये देखो ये जो कोण सी है और ये जो 115 है कैसा आकार बन रहा है? 115 और ये सी, ये 115 है और ये सी है, क्या किस तरह का आकार बन रहा है? एफ जैसा। तो कौन सा कोण हो गया? ये संगत कोण। संगत कोण के माप कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये 115 तो ये भी 115 हो जाएगा। इस तरह से ABCD सब ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सवाल का नंबर डालिए, फिर ये आकृति बना लो। P और Q समांतर रेखाएं हैं। तो ये रेखा P और रेखा Q, रेखा P है और रेखा Q है। इसकी एक तिर्यक रेखा L है, दूसरी तिर्यक रेखा M है। एक तिर्यक रेखा इसकी L है और दूसरी तिर्यक रेखा M है। दूसरी तिर्यक रेखा है M। फिर इसके नाम देखो, ये A, ये वाला कोण A है। इसके बाजू में 110 है। फिर ये B और ये B है, ये वाला कोण B है, इसको हम लोग X मान लेते हैं। फिर ये D और 115 बगल बगल में है, ये D, D और 115 ये बगल बगल में है। वीडियो ब्लर हो गया क्या? एक सेकंड, अभी मैं ठीक करता हूँ, रुको। अब सही हुआ ना? हाँ, D और 115 बगल बगल में है। उसके बाद ये C है, यहाँ पर C है। तो अब शुरू करते हैं, पहले ए निकाल लेते हैं। ए और 110 दोनों जो है टी जैसा आकार बना रहे हैं, इसलिए ये रेखीय युगल कोण होंगे। तो इसलिए ये जो कोण ए है और उसके बगल में जो 110 अंश का कोण है, ये दोनों का योगफल 180 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रेखीय युगल कोण है। ये अब 110 को राइट में ले लोगे तो क्या हो जाएगा? इधर कोण ए बराबर 180, 110 यहाँ प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो इसलिए कोण ए का माप हो जाएगा 70 अंश, 70 अंश। तो इस तरह से ए मिल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? बी ज्ञात करना है।
तो देखो ये एक्चुअली आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो बी और ए बराबर है, क्योंकि ये बाह एक अंतर कोण है। बाह एक अंतर कोण क्या होता है? जो एकांतर कोण होते हैं ना, उसका शीर्षाभिमुख कोण जो होता है, और इसका भी शीर्षाभिमुख देखो, इसी को बाह एकांतर बोलते हैं। तो ये भी देखो, ए और बी अगर ध्यान से देखो तो ए देखो किसका, इस कोण का शीर्षाभिमुख है, और बी देखो इसका शीर्षाभिमुख है, इस कोण का। तो ये दोनों कोण एकांतर हैं, तो ए और बी एकांतर कोण के ही शीर्षाभिमुख हैं, तो इसलिए इसको बाह एकांतर कोण बोलते हैं। तो डायरेक्ट लिख दो बाह एकांतर कोण, समझ जाओगे आप। तो ये जो कोण बी है, ये कोण बी जो है वो कोण ए के बराबर होगा, कारण बाह एकांतर कोण। परंतु कोण ए का माप कितना मिला है? 70 मिला है, इसलिए बी भी 70 हो जाएगा। ये ए 70 कहाँ से मिला? 1 से मिला। इसलिए कोण बी बराबर भी 70 अंश। ठीक है, बी मिल गया। अब हमें डी निकालना है। डी और ये 115 डिग्री दोनों रेखीय युगल कोण है, टी जैसा देखो बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो कोण डी है और उसके बगल में 115 डिग्री है, ये दोनों का एक योगफल 180 अंश होगा, क्योंकि ये रेखीय युगल कोण है। 115 को राइट में ले लो तो क्या हो जाएगा? ब्लड दिख रहा है? अब सही हुआ? चलो 115 को राइट में ले लेंगे तो 180 माइनस 115, जीरो में से 5 नहीं जाएगा, यहां से उधार ले लो, 10 में से 5 गया, 5 इधर बचा 7, 7 में से 1 गया 6, 1 में से 1 गया 0, यानी कोण डी का माप आ गया 65 डिग्री। अब क्या बचा? डी मिल गया, अब बचा है सी। तो देखो ये जो कोण सी है और ये जो 115 है, ये एफ जैसा आकार बना रहे हैं, इसलिए ये संगत कोण हो गए। तो कोण सी और 115 डिग्री, ये कोण सी और ये जो 115 डिग्री है, कोण सी और 115 डिग्री जो है वो एफ जैसा आकार बना रहे हैं, एफ जैसा आकार बना रहे हैं, इसलिए इसके माप क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। तो यहाँ पे कोण सी का माप 115 डिग्री आ गया। बात समझ में आ गई? तीसरा सवाल देखो, आपको रिड्यूस कर दिया गया है, वो परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिर बच गया कौन सा है? चौथा सवाल। चौथा सवाल ही आखिरी सवाल है, लेकिन मुझे मेरा यहाँ पर अब अगले लेक्चर का भी टाइम होने वाला है, तो इसलिए 2-3 मिनट में करा देता हूँ। चलो इसको भी चौथा सवाल कैसे करेंगे यहाँ पे समझा देता हूँ। कोण पी क्यू आर और कोण एक्स वाई जेड की भुजाएं समांतर हैं। ये कोण एक्स वाई जेड, कोण पी क्यू आर की भुजाएं समांतर हैं। ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर है। तो हमको सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू आर और कोण एक्स वाई जेड दोनों सर्वांगसम है। कोण पी क्यू आर यानी ये कोण और ये कोण दोनों सर्वांगसम है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो समांतर रेखा है इसको अगर हम लोग आगे बढ़ा दें, तो ये यहां पे कट हो जाएगा। इसको कुछ नाम दे देते हैं, एस नाम दे देते हैं, एस। तो आप मुझे ध्यान से देखो, ये जो कोण वाई है ये यहां एक कोण एस के बराबर होगा कि नहीं? देखो एफ एफ जैसा आकार बन रहा है, तो कोण वाई एस के बराबर हो जाएगा,
फिर देखो ये जो एस है, ये कोण एस और ये कोण क्यू, ये भी एफ जैसा आकार है। तो ये जो कोण एस है वो क्यू के बराबर हो जाएगा। तो कोण क्यू भी कोण एस के बराबर है, कोण वाई भी कोण एस के बराबर है। तो कोण क्यू और कोण वाई बराबर हो गया कि नहीं? तो देखो सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे मैं जल्दी से समझा देता हूं आपको। ये कोण क्या था? एक कोण है पी क्यू आर, पी क्यू आर है। दूसरा कोण है एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। हमको करना क्या है, एक रचना करनी है। क्या किया, रेखा एक्स वाई को इस प्रकार बढ़ाया कि वो क्यू आर को बिंदु एस पर प्रतिच्छेदित करती है। तो अब यहाँ पे दत्त लिख दो। दत्त में क्या लिखना, दत्त में आपको लिखना है कि एक्स वाई समांतर पी क्यू है, एक्स वाई समांतर पी क्यू, ऐसे ही वाई जेड समांतर क्यू आर। सिद्ध क्या करना है, साध है, हमें सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू आर सर्वांगसम कोण एक्स वाई जेड, कोण पी क्यू आर सर्वांगसम कोण एक्स वाई जेड सिद्ध करना है। हमने रचना क्या किया है, रेखा रेखा एक्स वाई को बढ़ाया, रेखा एक्स वाई को बढ़ाया और वह क्यू आर को एस पर प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है। फिर आप उत्पत्ति लिख दो। उत्पत्ति क्या लिखोगे आप, ये जो कोण वाई एस आर है, कोण वाई एस आर ये किसके सर्वांगसम है, कोण वाई एस आर कोण पी क्यू आर के सर्वांगसम है। ये कोण वाई एस आर कोण पी क्यू आर के सर्वांगसम है और ये कोण वाई एस आर ये कोण एक्स वाई जेड के भी सर्वांगसम है, कोण एक्स वाई जेड के भी सर्वांगसम है। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण। तो हाँ किसी को नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, अभी दिखा। तो ये इसको अगर वन मान लें, इसको टू मान लें, तो एक और दो से क्या मिल रहा है, एक और दो से। देखो माइक बंद करो अपना बेटा, माइक बंद करो जल्दी। देखो पी क्यू आर और एक्स वाई जेड ये दोनों कोण एस के बराबर हैं, इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए कोण पी क्यू आर सर्वांगसम कोण एक्स वाई जेड, अतः सिद्ध हुआ। जो सिद्ध करना था वो हो गया। तो कितने लोगों ने लेक्चर अटेंड किया ये जरा बताइए, देख लेते हैं हम लोग। 22 लोगों ने, 22 लोगों ने लेक्चर अटेंड किया है, ठीक है। ओके बेटा, 22 स्टूडेंट्स। आप लोग ग्रुप में भी भेज देना, जो जो लेक्चर अटेंड किए हैं मैथ्स का, ग्रुप में भेज देना, ठीक है। और ये पूरा अपना आज 2.1 पूरा खत्म होता है, इसके सारे सवाल आप लोग अपने मन से भी ट्राई करना। ओके चलो चलो, अब एक एक करके जल्दी से लेफ्ट हो जाओ। बाय बेटा, बाय।